यूपी के हाथरस में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। यह घटना हाथरस जंक्शन के थाना क्षेत्र सलीमपुर की है। यूपी में बाइक सवार बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस चाहे कितने भी बदमाशों को पकड़कर खुलासे करे, लेकिन आए दिन कोई ना कोई घटना कर बदमाश अपनी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं। आपको बता दें, आज बदमाशों ने बीच रोड पर बाइक से जा रहे युवक को गोली मारकर पुलिस को फिर से चुनौती दी। यह घटना तब हुई जब चंदपा क्षेत्र का रहने वाला युवक रोहन अपने निजी कार्य से मित्र के साथ सिकंदराव जा रहा था, तभी पीछे से बाइक से आए बदमाशों ने ओवरटेक कर युवक को गोली मार दी और फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी और घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया। गोली युवक के कंधे में लगी। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। गोली तो भैया जगह जगह की तो पूरे शरीर मार रहे, पर भैया को उठा कर लग गई भैया मेरे। घटना भैया पॉलीटेक्निक, भैया वो कौन सी पॉलीटेक्निक है भैया, वो इतना ध्यान ना है पॉलीटेक्निक सिकंदर भाई रोड पर। भैया मेरी कोई दुश्मनी ना है, राजकुमार भैया बता, ये गोली लगी कौन है, कैसे गोली लगी थी? ये मेरे मित्र हैं रोहन, कहाँ रहते हैं? ये कटेलिया रहते हैं। गोली किसने मारी? ये दो व्यक्ति जा रहे थे, का नाम है सुपर स्प्लेंडर में ब्लैक कलर की गाड़ी थी और उस गाड़ी का नंबर है UP86L2063 और जो इसने गोली मारी उसका नाम वकील कह के है भजा के देंगे वो गाड़ी में। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ पहले तो। कोई रजिस्ट्रेशन मामला तो नहीं है? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन वाला मामला नहीं है। सामने आओगे तो पहचान लोगे लोगों का? पहचान लूँगा उनको सामने आगे। तो जंक्शन से जा रहे थे आप? सिकंदराव जा रहा था। सिकंदराव क्यों? एक जो इनके कोई मामा जी अपील अपील कराने के लिए बाकी जी कह रहे थे, इस चक्कर में जा रहे थे। अच्छा।